अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने अकाउंट की पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज़ आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि उसकी जो पिक्चर है वो आप चेंज करें। तो उसमें आप कंप्यूटर भी आपको कई विंडो जो है उसकी अपनी पिक्चर भी कई काफ़ी सारी पिक्चर सजेस्ट करता है, और अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप मतलब अपनी कोई पिक्चर पर्सनल लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप वो पिक्चर कैसे लगा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूं जो भी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर शुएब, और मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको टास्क बार में स्टार्ट आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर जो अकाउंट की बनी हुई है, आपकी जो भी पिक्चर लगी हुई होगी, मेरी भी कोई नहीं लगी हुई, मतलब विंडो वाली है, तो इस पर इस पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस तरह की विंडोज ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है चेंज योर पिक्चर, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको काफ़ी सारी पिक्चर विंडो 7 ने सजेस्ट की हुई हैं। आप चाहें तो इन पिक्चर में भी कोई पिक्चर की किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में से पर्सनल कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ब्राउज़र फॉर मोर पिक्चर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपने ये पिक्चर हैं कुछ, ये भी विंडो की हैं, तो आप चाहते हैं कि आप अपने हार्ड डिस्क में मतलब सेव पिक्चर जो आपकी हैं उनमें से कोई लगाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी कोई पिक्चर लगाता हूँ, ये मतलब अब मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर लग गई है मेरे अकाउंट, मतलब मेरे जो अकाउंट बना हुआ है ना विंडोज 7 में, उस पर ये पिक्चर लग गई है। तो आप देख सकते हैं, आप ये बहुत सिंपल तरीका है, मतलब मेथड है, जिससे आप यूज़ करके अकाउंट पर अपने अकाउंट की पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।